श्रेया ग्रुप एक कंपनी का समूह है जिसमें रियल इस्टेट भी है, रियल इस्टेट है, गोल्ड का काम है, गोल्ड की ट्रेडिंग करता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का चेन है, गाड़ियों का चेन है, फोर व्हीलर टू व्हीलर के, उसके बाद एक फाउंडेशन मेरा है जिसमें गरीब लोगों का मदद किया जाता है, उसमें हॉस्पिटलिटी भी है, शिक्षा के लिए भी है, अगर एजुकेशन के लिए भी किसी को दिक्कत हो रही हो तो एक नंबर हमारा वेबसाइट पे चलता है, उस नंबर पे कॉल करके वो अपना सहयोग ले सकते हैं, कोई भी अननोन पर्सन भी, कोई हॉस्पिटल में है पैसे के लिए उसको दिक्कत है, इलाज नहीं हो पा रहा है, उसके लिए श्रेया फाउंडेशन काम करता है। सांस्कृतिक हुआ या साहित्य जगत से, इन सब जगहों पे फिल्म इंडस्ट्री, ऐसे उभरते कलाकारों को लेकर के एक श्रेया इंटरटेनमेंट के नाम से श्रेया, उसको बंद कर दिया थोड़ा देर, श्रेया फाउंडेशन एक साहित्य जगत से संबंधित हो, फिल्म जगत से संबंधित, सांस्कृतिक हो, इन तरह के उभरते कलाकारों को या फेमस कलाकार जो भी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए श्रेया भारत अवार्ड्स का शुरुआत आज से चालू किया है। इसका पहला अवार्ड फंक्शन ये है और किसी को भी अगर कहीं पे पढ़ाई के लिए दिक्कत आ रहा हो, अननोन पर्सन भी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे कोई भी तरह का, उसके लिए श्रेया फाउंडेशन हमेशा आगे रहता है। किसी लड़की की शादी के लिए कोई दिक्कत हो उसके लिए भी है, कोई हॉस्पिटल में हो और पैसे के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा हो, उसके लिए भी श्रेया फाउंडेशन हमेशा साथ रहता है, जिसमें श्रेया फाउंडेशन स्कूल, हॉस्पिटल निःशुल्क, ये सब जल्दी एक दो महीने के अंदर स्टार्ट करने जा रहा है। श्रेया फाउंडेशन का और एक अंग श्रेया फाउंडेशन है श्रेया ग्रुप का, श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक हमारा इंटरटेनमेंट का भी है, श्रेया इंटरटेनमेंट एंड फिल्म प्रोडक्शन, जिसपे मूवी भी कंपनी बनाने जा रही है। अभी एंथम सॉन्ग अपना कुछ दिन पहले लॉन्च की थी, एक मूवी भी अभी आप लोगों को मिलेगा जिसका पोस्टर आज लॉन्च होगा। और कुछ पूछना है? सबने सनग्लासेस लगाए हैं। सूरज आप लोगों के ऊपर बड़ा यस कांग्रेचुलेशंस। हाँ जी, यही कि शाबाशी सबको अच्छी लगती है एंड इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इतने सारे लोगों को बुलाया है उनको सम्मानित करने के लिए, बहुत बहुत एफर्ट गया होगा और मैं अपना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, कंग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। थैंक यू, आई होप यू ऑल हैव अ गुड इवनिंग। थैंक यू। आपका एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर, हर तरह के लोगों का है। टीवी कलाकार हो चाहे बड़े पर्दे के कलाकार हो, उसमें कोई भी ये सिलेक्शन हमारी टीम करती है, उसके हिसाब से लोगों को इनवाइट करके बुला करके उनको दिया जाता है। देखिए ऐसा है कि जो लोग बैठ जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, बैठना पहले तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला अगर आपको जान दिया हुआ है, नीचे आप आए हुए हैं धरती पे, तो रास्ता भी बनाया हुआ है हर परेशानियों का हल का। परेशानियाँ आती हैं वो आपको एक सबक देने के लिए,
वो सबक देती है, उस सबक को सीख करके आदमी को आगे बढ़ना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अगर बैठ गए तो वही आपका आखिरी सबक होगा। आदमी मरते दम तक सबक सीखता है। तो श्रेया फाउंडेशन का है कि कभी भी परेशानी से बैठना नहीं चाहिए। और यही रीज़न है कि इस कंपनी को जब हमने श्रेया ग्रुप आप कंपनीज को खड़ा किया था उसी समय श्रेया फाउंडेशन की नींव रखी गई थी 2020 में। और इसी पर्पस से रखा गया था क्योंकि हम भी एक छोटे तबके से, हमारी भी कभी हमने 2013-14 में 5,000 की नौकरी की है, 2020 में बहुत ख़त्म हुआ है, फिर से धर यानी ज़मीन पे आ गए, फिर 2020 के जनवरी से ये कंपनी खड़ी हुई है और 10 लाख से खड़ी हुई कंपनी आज ये है, सिर्फ 10 लाख से। अगर वहीं हार मान गए होते तो वहीं हम रह जाते, तो हार नहीं मानना चाहिए। जी गदर बिल्कुल मच रहा है सर, अभी भी फुटफॉल रियल है, अभी भी लोग देखना चाह रहे हैं। कुछ तो जगह पर शोज बढ़ाने की भी बात हुई है जहाँ तक मुझे पता है, अब आगे क्या होता है वो भगवान ही जानता। सर गदर की लगातार ऐसा बहुत कम होता है। नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मैं बताऊँ फिल्में सारी अच्छी हैं, फिल्म सब चलनी चाहिए, हमारे लिए सिनेमा इम्पोर्टेंट है, अगर सिनेमा चलता है तो हम सब यहाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर पार्टी में नहीं, कोशिश होती है कि जहाँ से जहाँ प्यार से बुलाते हैं मैं बिल्कुल पहुँच जाता हूँ। आज इस लायक बना दिया है गदर ने कि मुझे लोग बुला रहे हैं, बहुत प्यार है सबका। सर गदर के बाद जो है काफ़ी जो है बहुत तारीफ हो रही है, अगर पॉलिटिकल की बात करें या कोई एक्टर की बात करें तो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं जब जो है उसी मूवी को सराहा जाता है? बहुत अच्छा लगता है, सराहा जाना चाहिए क्योंकि अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म को सराहा जाना चाहिए। सर गदर 2 के बाद जो है एक जवान मूवी आई है जो कि शाहरुख खान की जो है, उसे भी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने भी उनकी तारीफ कर रखी है, कैसे देखते हैं जब जो है पॉलिटिकल मंच के भी उस हर फिल्म को तारीफ कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, बहुत अच्छी बातें जो हैं कही जा रही हैं उसके अंदर, तो जो अच्छी बातें हैं और सिनेमा के थ्रू कही जाती हैं, एक मैसेज मिलता है, तो वो एक अच्छा प्रयास है हम लोगों का, फिल्म वालों का। सर क्या आपने जवान मूवी देखी है? बिल्कुल देखी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वो है, एंटरटेनिंग है बहुत, और शाहरुख भाई तो उनका क्या कहना, वो किंग खान है। ये वो पाइपलाइन में है कुछ, जैसे ही वो पानी गिरेगा मेरे हाथों में आएगा, मैं सबको बताऊंगा कि ये है मेरे हाथ में। पता नहीं ये मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं आगे का नहीं सोचता, जो जिस वक्त वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो वाली बात, बस वो जैसे चलते हैं चलता रहता हूं, जो चीज़ आ जाती है और लगती है कि मुझे कर लेनी चाहिए मैं कर लेता हूं, उसी के बारे में बता रहा हूं, जल्दी बताऊंगा जी। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। भाई और बहनों, श्रेया भारत अवार्ड 2023, इस समारोह में आज मुझे इस समारोह के जो ऑर्गेनाइजर है मिस्टर हेमंत राय, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। पहली बात तो मैं बधाई दूंगा, ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए क्योंकि ऐसे अवार्ड्स जिसको भी दिया जाता है, आज ये जो भारत अवार्ड बहुत सारे अनेक कलाकारों को मिलने जा रहा है, हर क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, असामान्य काम किया है, ऐसे लोगों को अवार्ड देने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, इतना ही नहीं तो सामाजिक कार्य भी करते हैं। तो हौसला अफजाई करना, हर
जो संस्था है उनका ये काम है और हेमंत राय बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जिसको भी अवार्ड मिल जाता है साथियों, उसे बहुत अच्छा लगता है, उनको एक प्रोत्साहन मिल जाता है और काम करने की और एक उम्मीद पैदा हो जाती है। इसीलिए ऐसे अवार्ड्स हर जगह होने चाहिए और जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा मैं कोशिश करूँगा उस अवार्ड में अपनी उपस्थिति देने के लिए। पहली बात तो किसी का चेहरा लेके चलना कहाँ तक ठीक है, ये मेरे सामने भी एक प्रश्न चिन्ह है। मगर ऐसा है कि आज मोदी जी हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में उनका एक मान सम्मान है और ऐसा एक व्यक्तिमत्व का चेहरा अगर मुझे मिला है तो उसका फ़ायदा उठाना ये मेरा कहीं कर्तव्य बनता है। उनके कहीं संदेश जो है मैं स्टेज पे जाके देने की कोशिश करता हूँ। आज सामान्य लोगों में वो आ नहीं सकते मगर मैं कहीं भी जाता हूँ लोग फ़ोटो निकाल लेते हैं, सेल्फी निकाल लेते हैं, शेक हैंड करते हैं तो लोगों को बहुत आनंद मिलता है। सर आज प्रधानमंत्री का जो है जन्मदिन भी है, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नहीं बस आने वाले दिनों में उनके हाथों को बल देना अब सबका कर्तव्य है क्योंकि उनका काम हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है तो इस बात को सोचना ज़रूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ मतलब उतना वक्त अपने पास है नहीं, मगर आप देख रहे हो कि कैसे उनका काम चल रहा है तो आने वाले दिनों में उनके हाथों को बल देना ये आप सभी का कर्तव्य है, उतना आप ज़रूर करें। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आप समझना चाहते हो तो यही मुझे कहना है कि इलेक्शन जल्दी आने वाला है। अगर आप सबका अगर भला चाहते हो, आपका परिवार का भला चाहते हो तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के हर कैंडिडेट को बड़ी संख्या में चुन के लाना, चुन के देना आप सभी का कर्तव्य है। बस ये आप करोगे चलो धन्यवाद। फिर आते ना, फिर आते। आप थोड़ा उधर खड़े हो जाए। हाँ ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल, हम लोग सभी, आप लोग भी जब कोई आपको सराहता है और अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। मुझे भी भारत सम्मान मिला है, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है। मुझे ये इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी। इट्स गॉट, इट्स ब्यूटिफुली क्राफ्टेड एंड अच्छा लगा। अच्छी शाम थी, अपने गाने गाए जो सभी को अच्छे लगते हैं। अच्छी शाम थी। हाँ जी, हाँ नहीं, आई थिंक लोग इंडिया शाइन भी तो कर रहा है, इंडिया कमाल भी तो कर रहा है। मैंने अंदर जो कहानी बताई, हाँ वही कि लास्ट मंथ जब मैं अमेरिका में थी, यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं हमारे इंडियंस, तो उस परेड के लिए मुझे बुलाया था जहाँ झांकियाँ वगैरह निकलती हैं, तो सबसे आगे तांगा था जिस पे मुझे बैठना था। तो जब मैं वहाँ जाके बैठी, जो हमारी सामने बसंती थी वो गोरी थी जो तांगा चला रही थी, और जो घोड़े को चला रहे थे वो एक गोरे थे। तो मुझे लगा हम उनके देश में आके अब तांगे में बैठते हैं और वो तांगा चलाते हैं, और वो एक समय था जहाँ वो हमारे देश में थे और हम उनके लिए तांगा चलाते थे। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी यू नो ग्रेट मोमेंट फॉर मी टू फील दैट कि हमने जो है अपना देश वापस ले लिया और हम उनके देश में भी घुस गए हैं। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इट वाज हाँ, अब बदली हो गई है। सो
हाँ, तो मैंने उसका बहुत वीडियो बनाया। मैं अब अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे आपने कहा ना कि इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, तो इंडियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सबको लगता है कि हमें भी अवार्ड मिलना चाहिए, सिर्फ बेस्ट एक्टर क्यों, यू नो। तो इसमें कृषि के लिए भी है और बाकी फील्ड्स के लिए भी है, और उसमें कलाकार भी हैं। हम लोग गाना वाना गा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सब फिल्म स्टार्स को ही मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो कमाल कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, उन सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी जा रही है। मैंने अभी देखी नहीं है, मैंने कहा ना मैं अभी वहाँ से आई हूँ, बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत अच्छा लग रहा है, और सारी फिल्म हिट हो उनकी। बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो काफ़ी काबिल-ए-दाद है। ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। और जिस तरह का इन्होंने ये आयोजन किया फंक्शन का, वो भी बहुत अच्छा हुआ। और हेमंत राय साहब और उनकी एंटायर टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाँ, ये कुछ है, आएगा जल्दी तो पता चलेगा। थैंक यू। पिक्चर है, मूवी। थैंक यू। हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि जो वहाँ मैंने स्टेज पे कहा था कि श्रेया फाउंडेशन ने हर फैकल्टी को देखा है, परखा है, और गरीबों की मदद की है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब मुफलिस हैं उनकी अगर मदद करते हैं, विधवाओं के बच्चों को अगर आप परवरिश करते हो और उनको उनकी शादियां कराते हो, इससे बड़ा नेक काम हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी गुड, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस मैं जब भी बुलाते हैं मैं चला आता हूँ, ये सेकेंड टाइम आया हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं श्रेया फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं यहाँ आप सबके सामने हूँ। हम लोग यहाँ एक फिल्म हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत शूट की है, जिसकी शूटिंग हम लोगों ने अभी संपन्न की है, और एक बहुत ही धमाकेदार गाने के साथ हमारी फिल्म धाक, जो कि बहुत जल्द आप सब लोगों के सामने थिएटर में रिलीज़ होने वाली है, जिसमें साउथ के हमारे बहुत ही जाने माने चेहरे सलीम भाई हैं, जो कि फिल्म का लीड रोल निभा रहे हैं। मैं एक फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा हूँ, और अनीस भाई जो कि अनीस बारूद वाला जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है। और इनका मैंने गाना शूट में मैं आया था, तो मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया इन्होंने डांस किया, बहुत ही बढ़िया एक्शन भी किया। मुझे अपने टाइम के अपने गाने और अपने एक्शन की याद आ गई, और उस फिल्म की पोस्टर रिलीज़ के लिए हम यहाँ आज यहाँ आए हैं। तो आप सबकी शुभकामनाएं और आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है हमें, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग ये फिल्म जब रिलीज़ हो तो अपना प्यार दें, इस फिल्म को देखने आए। और निलूफर जी ये भी हमारे साथ हैं इस फिल्म में, इन्होंने भी बहुत खूबसूरत काम किया है, और उम्मीद करूंगा कि मैं यानी अविनाश वधावन और सॉरी क्या बोल रहे हैं समधन और हम सब ने बहुत मेहनत से फिल्म की शूट की है, काफ़ी बिल्कुल डिफरेंट कहूँगा, क्योंकि अब तक मैंने हमेशा लीड रोल्स ही किए हैं फिल्मों में, और इस फिल्म में एक अलग तरह का किरदार मुझे करने का मौका मिला, और बहुत ही मज़ा आया। और उम्मीद करता हूँ ये फिल्म जो है जल्दी से रिलीज़ होकर आप सबके सामने आए, और आप सब भी इस फिल्म को एंजॉय कर सकें। मुझे श्रेया फाउंडेशन को सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। श्रेया फाउंडेशन ने मुझे अपने पहले अवार्ड में शामिल किया, आइए ना आप, और मैं इसमें लीड की मदद कर रही हूँ। जैसे कि गदर 2 में मैंने सनी देओल की समधन का रोल किया, उसी तरह मैं अपनी धाक में अविनाश जी की समधन का रोल कर रही हूँ, और सलीम की सास का रोल प्ले कर रही हूँ। वो और बात है, मैं लगती नहीं हूँ। बहुत सही। क्या चीज सर, उनका हम बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन लोग ने हमको दूसरी बार सम्मान किया, और हमारी आने वाली फिल्म धाक के प्रमोशन के लिए हम लोग आए हुए हैं। एम सलीम उसमें हमारे मेन हीरो है,
हमारी बहन नीलोफर जी हैं और डायरेक्टर अनीस बारूदवाला साहब है जो उनकी दूसरी फिल्म है बॉम्बे में, और पहले भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की थी और ये फिल्म भी मैं प्रमोशन पब्लिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। चले तो दो मिनट रुकेंगे लोग जी। मेरा लीड रोल है, मैं हीरो का काम कर रहा हूँ उसमें, और ये मेरी सासू जी लगती नहीं हूँ लेकिन हीरोइन की माँ का रोल की है, तो एक्चुअली साथ ही दिया है उन्होंने, हर वक्त साथ दिया है, रियल और रियल लाइफ में दोनों में साथ दिया है जी। और ये मेरे मामू जान है शब्बीर शेख, फॉर्चून लाइफलाइन मीडिया एंटरटेनमेंट। सो ये पिक्चर हमारी घर की है और बहुत अच्छी बनी है, अनीस भाई ने बड़ी मेहनत की है, और इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर तक पर्दे पे आप देखेंगे इसको, और अभी लाइन से इसके पर्दे और हमारे भाई भी है इधर जुबैर शेख, इस फंक्शन के भागदौड़ में लगे हुए हैं, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया था, आप लोग खड़े हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, आप जो रास्ता अपना है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही के रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। आप ही पेमेंट्स करने वाले हैं? बस ये इसमें 5 गाने हैं और एक्शन लव स्टोरी है, हमने इसको जो है साउथ के अंदाज में जो है वहाँ से आते हैं, तो हमने सोचा है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करें, इसलिए जो है काफ़ी आपको पसंद आएगी, इसमें कॉन्फिडेंस भी है, मसाला है पूरा, गाने भी आपको अच्छे मिलेंगे, स्टोरी टाइट मिलेगी, सब मसाला इमोशन है, इन्होंने रोया है तो इनको ज़्यादा पता है, मुझे रोने के लिए बुलाते हैं, माँ तो हमेशा रोती है अपने बच्चों के लिए, तो जिस तरीके से गदर 2 में मैं अपनी बेटी मुस्कान के लिए रोई हूँ, इसमें भी मैं अपनी बेटी के लिए रो रही हूँ, उसका सपोर्ट कर रही हूँ, बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम होगा। उस रोने की दुआ में उनका मिलना है, दुए से रो रहे माँ जो है अपनी हमेशा माँ अपनी बेटी की जो है भाई चाहती है, बाप अगर सख्त है तो माँ नरम होती है, जो है उसका नरम भी जो होता है ना जो मुलायम होता है वो हमेशा जो है वो बेटी को सपोर्ट करता है, तो आप ये जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये फार्मूला तो हर फिल्म में चलता ही है, इसमें भी है, इसमें कुछ अलग तरह की चीज़ें हैं, आप देखेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगा। सर एक तो फाउंडेशन है जिसमें अच्छे अच्छे कारनामे उन्होंने किए तो उनको दिया जा रहा है, और साथ साथ 2 फिल्में आई प्रमोशन के लिए, एक हमारी ढाक फिल्म है और इसका एक प्रोग्राम हम शान मुखानन हॉल में भी किए थे बहुत बड़ी पैमाने पे, और ये दूसरा प्रोग्राम है बॉम्बे में, और ये पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने पे करते हैं, और हमको लखनऊ में बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं, मैं 25-27 साल से इस कंपनी से जुड़ा हूँ, और 25 बड़ी बड़ी फिल्में लखनऊ प्रमोशन पब्लिसिटी के लिए जाती है, तो हमको सपोर्ट मिलता है इस कंपनी से। हुजूर क्या है, फिल्में हमारी दुआओं से बनती है, और रहा सवाल ये कि बांद्रा से बोरिल तक ईस्ट वेस्ट में इंडस्ट्री है और इसके चाहने वाले पूरी दुनिया में रोज़ 10-12 बच्चे कुछ ना कुछ करने आते हैं, और जो काबिल होता है तो बेलॉस उनको बुलाया जाता है, और रात होती है सुबह होती है, 2 घंटा 10 मिनट में फिल्म देखते हैं, 2 घंटा 5 मिनट में फिल्म देखते हैं, कंटेंट अच्छा होता है तो फट से बोलते हैं कि भाई नीलोफर जी को याद करते हैं, सलीम भाई को याद करते हैं, शब्बीर भाई को याद करते हैं, डायरेक्टर को याद करते हैं, तो हमारा नारा ही है खेल देखो बंदर का माल निकालो अंदर का। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू आप सब लोगों का, थैंक यू। नीरोपुर सही बोला, बहुत 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 बात।